अभी हम लोग एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल में कैसे वर्क डन का यूज़ होता है, कैसे फोर्स का यूज़ होता है और हम लोग कैसे वर्क डन फाइन करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। मेंस एडवांस में ये अगर आप ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घुस गया तो आप कोई भी एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक लिफ्ट टाइप का लिया है, उसमें हम लोगों ने एक इंक्लाइंड प्लेन को रखा है एट एनी एंगल थीटा, और ये जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। मींस ग्रेविटी की वजह से वर्क डन क्या रहेगा, नॉर्मल की वजह से वर्क डन क्या रहेगा और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन क्या रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग होता है एक्सेलरेशन जीरो बनता है। एक्सेलरेशन क्या बनता है, जीरो। ठीक है, वो तो हमें पता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो बनता है, तो ये जीरो बन गया, तो एक्सेलरेशन क्या मिला हमें, जीरो। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो हमारे पास वर्क का बेसिक फॉर्मूला जो हमें आता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इज इट क्लियर? ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो मास है, अभी मैं ये मास की बात कर रहा हूँ, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये टी टाइम में ऊपर जा रहा है ऐसा दिया है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास फोर्स तो मिल गया, दैट इज एम जी, बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गिवन, तो यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट हमें। वेलोसिटी कांस्टेंट दी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी इनटू टी। तो देखो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि जो एम जी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी इनटू टी। यहाँ पे एस और एम जी के बीच में 180 का एंगल बनता है, कितना बनता है 180। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वर्क इज इक्वल टू एम जी वी टी इंटू कॉस 180, कॉस 180 नेगेटिव 1 रहेगा, सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम जी वी टी। दिस इज अवर आंसर, वर्क डन बाई ग्रेविटी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, वर्क डन बाई नॉर्मल। वर्क डन बाई नॉर्मल, तो ध्यान से समझना, नॉर्मल की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है, जो भी नॉर्मल रहेगा वो ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा जो नॉर्मल रहेगा वो सरफेस से परपेंडिकुलर इस हिसाब से रहेगा, दैट इज नॉर्मल। ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखो यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वी इंटू टी। ये डिस्प्लेसमेंट वी इंटू टी। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, नॉर्मल यहाँ पे है। तो देखो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से ये एंगल हमारा बनेगा थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, वो तो आप लोग जानते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगेन वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डी लिखो एफ लिखो, बोथ आर सेम। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ एस कॉस थीटा। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। F, तो F हमारे पास क्या है, तो नॉर्मल। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था, जो भी फोर्स होना चाहिए उसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट लो, या तो डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट लो। तो ये N, इसके दो कंपोनेंट, दिस वन इज N cos थीटा एंड दिस वन इज N sin थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आया, N cos थीटा। तो मैं यहां पे लिखूंगा N cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी इंटू टी, और ये कॉस थीटा, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो वर्क डन बाई नॉर्मल मुझे क्या मिला, वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू एन वी इंटू टी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? तो ये हमें क्या मिल गया, वर्क डन बाई नॉर्मल, और एन इज इक्वल टू हम लोग एम इंटू जी भी लिख सकते हैं।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम जी वी टी कॉस स्क्वायर थीटा मोस्ट आई एम पी वर्क डन बाई नॉर्मल। इज इट क्लियर? ओके। और थर्ड केस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो यहां पे आ जाओ, ये ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में रहना चाहिए ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो रेस्ट कंडीशन में अगर ये ब्लॉक रहना चाहिए तो बट ऑब्वियस है फ्रिक्शन फोर्स इसी डायरेक्शन में लगना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इसी डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर दैट इज एस, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा दैट इज एफ। तो यहाँ पे आप देखो अगर मैं ट्राइंगल लॉ यूज करूँ तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। ठीक है, मीन्स ये वाला एंगल ये थीटा बनेगा, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। सो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एफ एस, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा आएगा बिकॉज फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये बीच का एंगल कौन सा है 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? ओके। देखो यहाँ पे अभी एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा, ये एफ कौन सा है तो फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कौन सा है तो डिस्प्लेसमेंट ये रहा एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। फ्रिक्शन फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स को हम डिफाइन करेंगे म्यू इंटू एन। एस इज इक्वल टू वॉट? एस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे वी इंटू टी कॉस 90 माइनस थीटा इंटू ये जो फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का कंपोनेंट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसको एफ कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा किसका है? ये फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का कंपोनेंट है। और ये कॉस 90 माइनस कौन सा है तो ये कॉस 90 माइनस एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखा ना हम लोगों ने, देखो यहाँ पे ये ओरिजिनल फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और ये फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का कंपोनेंट वो भी एन कॉस थीटा निकलता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा दो बार आएगा, एक फॉर्मूला का कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट का कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी सेम वे रिपीट होता है। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, कॉस 90 माइनस थीटा साइन। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज एफ इज इक्वल टू म्यू एन, एन इज इक्वल टू एम इंटू जी वी इंटू टी साइन स्क्वायर थीटा। That is our work done by friction force. Is it clear? बहुत ही बढ़िया example है। आप एक ही example में work done by gravity भी निकाल सकते हो, work done by normal force भी निकाल सकते हो और work done by friction force भी निकाल सकते हो। Is it clear? Okay, thank you.